हे गाइस, कैसे हो आप सब? आज हमारी शुरुआत अंधेरी कुछ अंधेरी जगह से हो रही है। मतलब आज अचानक से व्लॉग शुरू कर दिया मैंने, शाम का टाइम है। अभी मेरे बिग बॉस वाले सस्ता बिग बॉस ने गड़ा देखा होगा, उसके लिए वो चाहिए पीने वाला, वो कुछ होता है उसको क्या बोलते हैं जिससे वो करते हैं पीते हैं, गिलास बोलते हैं, वो लेने जा रहे हैं। फिर कुछ खाना पीना, थोड़ी पेट पूजा, हेल्दी पेट पूजा। बस मैं चलो सोचा कि चलो बस ब्लॉग शुरू कर देते हैं। ये हमारी ये कुम्हार मार्केट है, वो देखो क्या मूर्तियाँ बनाई हुई हैं मिट्टी की। अभी वो आ रही है ना गणेश चतुर्थी। पूछ जरा क्या क्या रेट है इनकी। हाँ, देखो क्या बढ़िया पेंटिंग है मिट्टी बनाई हुई। क्या रेट है भैया इनका? मीडियम साइज का क्या रेट है? मतलब क्या रेट है इनका? ये मतलब डी घुल जाती हैं कि ऐसी रहती हैं बायोडिग्रेडेबल? देखो हुआ यू, लेने गए थे हम अपना सामान, लेकिन सामान की ऐसी की तैसी होगी। वो वहाँ पे जिसको हम जो दिखाना चाह रहे थे आपको, कुछ अच्छी सी मूर्तियाँ, वो जो कुम्हार गली है जहाँ पे मिट्टी की चीज़ें बनती हैं। पर यार एक्चुअली वो अंकल को इतनी प्रॉब्लम होगी, अंकल ने जैसे ही हमें बोला कि आप नहीं शूट कर सकते, हमने बंद कर दिया। तो बट पीछे पड़ गया, हम वहाँ से निकल के आगे, कहता आप कट करो। मैं क्या, हम पूरा नहीं कट कर सकते क्योंकि हमारा पूरा कॉन्टेंट है इसमें, कहता नहीं आप कट करो। तो मैंने बोला भैया आप इतनी इंसानियत रखो कि हम बंद कर देंगे, हम आपका नहीं रखेंगे। अगर आपको इतनी दिक्कत है आप मेरे चैनल ले लो, अगर चैनल में आपको थोड़ा सा भी कुछ लगे आपका आया हुआ है तो पुलिस केस कर देना। मैंने इतना उसको दम रख के इतना पीछे पड़ गया, उसने दिमाग इतना ख़राब कर दिया। मैं कहा यार इसको तो चाहिए बैंस का कॉन्टेंट। मैं कहा तू तो यूट्यूबर नहीं है, मैं हूँ, लेकिन मेरे को बैंस का कॉन्टेंट बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं शूट नहीं कर पाई। क्योंकि वो बहुत इरीटेटेड बंदा था और इतना एटीट्यूड दिखा रहा था, उस चक्कर में इतना दिमाग ख़राब हो गया हमारा, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो। मैं कुछ ज़्यादा बहस ना हो जाए, बड़ी बात ना निकल जाए, ये सच्चा हम यहीं से निकल के आ गए। हम नहीं ले पाए जो लेने गए थे, जो बहुत ज़रूरी था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अंकल जी। अंकल था, भैया था, बुड्ढा था, जो था पता नहीं, जो भी था वो था इंसान। चलो यार छोड़ो, अब जो भी हो गया, मैं ये बोल रही थी मूड चिल करते हैं, आप इतना गुस्सा मत करो, थोड़ा तड़का फड़का करते मूड को लाइट करने के लिए, क्योंकि ब्लॉग की तैसी की तैसी लाइट करने के लिए पहली चीज़ है क्या, तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है ना, मैं जो उस टैलेंट को बाहर लाना चाहता हूँ। ऐसा बस वो टैलेंट है मेरे अंदर, एक है उनमें से, एक टैलेंट जो है वो मैं बाहर लाना चाहता हूँ। आज तुम पेंटिंग करो। पेंटिंग तुम्हारे राइट हैंड का कमाल है ये तो। बाएं हाथ का होता है, दाएं हाथ का नहीं। मेरे को बाएं और दाएं में बहुत ज्यादा डिफरेंस लगता है। बाएं इज लेफ्ट एंड दाएं, दोनों में डिफरेंस ही होता है। सॉरी, बाएं इज लेफ्ट और दाएं इज राइट, दोनों सही बोला तुमने। सही बोला तो मतलब मैं तो लेफ्ट राइट ही बोलती हूँ, ये तो मेरे राइट और लेफ्ट दोनों का कमाल है, मैं तो कर लूंगी। आज टीचर्स डे है, सबको मेरी तरफ से और मेरी वाइफ की तरफ से सबको हैप्पी टीचर्स डे, ठीक है। शिक्षक दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं, जो इनकी समझ से पा रहे हैं यहाँ पे। सर आप हिंदी मत बोलिए इतनी। आज एज अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ बाय प्रोफेशन यहाँ पे और बाय चॉइस भी। हाँ। तो मैंने आज एक चैलेंज दिया है मैडम को यहाँ पे, आज इनको मैं कुछ सिखा रहा हूँ। इनको मैंने आज ये कहा है कि आज आप थोड़ा सा पेंटिंग करना सीखो, क्योंकि मैं एक बायो सीखने का मतलब आई मीन पेंटिंग करो, मेरे को आती है पेंटिंग। हाँ, पेंटिंग आती है इनको, ठीक है। कुछ नमूने भी इनकी पेंटिंग के, कुछ नमूने जो है वो आपको जल्दी ही दिखाए जाएंगे और सो आज इनको जो है वो एक चीज बोली गई है। एज अ टीचर मैं आज इनको कुछ सिखा रहा हूँ, वैसे आती है इनको, ऐसी बात नहीं है, बहुत मतलब महान पेंटर रह चुकी हैं। आप लोगों ने वो मूवी तो देखी होगी अनिल कपूर की, जल्दी यहाँ पे कंट्रोल उदय कंट्रोल। हाँ। उसमें वो घोड़े वाली पेंटिंग बनाते, तो जैसी वहां पे उन भाई की पेंटिंग थी, और मतलब उनसे तो काफी गुना ज्यादा जो है वो इनकी पेंटिंग यहाँ पे अभी आप देखेंगे। पेंसिल कलर से ये बनाएंगे यहाँ पे, और कुछ नमूने आपको वो पेंटिंग बनने के बाद, इन्होंने पहले भी ये कांड किए हुए हैं, पेंसिल कलर नहीं बोलते इसको, ठीक है। आप समझ गए होंगे किस तरीके की पेंटर है यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये अभी स्केचिंग करने वाली हैं, जिसका नमूना हम थोड़ी देर में देखेंगे। मैंने इनको एक फ्री छूट दी है कि आप चाहो तो कुछ देख कर बना सकते हो, तो ये टैब में पेंटिंग ओपन करेंगी,
कोई भी स्केच ओपन करेंगी और उसमें आज ये बनाएंगी। तो मैं सोच रही इसी में से कोई इजी सा ले लेती हूँ, कोई जैसे मेरे को सबसे इजी लग रहा है। तो जरा जनता को भी दिखाइए आपने कौन सा चुना है। सर मैंने ये वाला चूज किया है, ये सीनरी वॉलपेपर है, ये रियलिटी ये है और नहीं ये एक्सपेक्टेशन है, रियलिटी अभी आपके सामने है। सॉरी ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, रियलिटी अभी बनेगी, रियलिटी अभी बनेगी, अब देखते हैं। सर मैं बनाना शुरू करती, तो हमारे पिकासो अभी शुरू कर रहे हैं काम। सर पिकासो, ये पिकासो क्या होता है? ये पेंटर है। सर नहीं पिकासो तो वो होता है ना, वो जो कैमरे में जो वो डाउन नहीं वो जो हम एडिटिंग करते हैं उसको बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है ना। अरे उसी, अरे आप बनाइए तो सही। सर उसी को बोलते हैं ना। हाँ बिल्कुल उसी को बोलते हैं। मैं तब तक है ना लोगों को आपकी पेंटिंग का एक नमूना जो है वो मैं दिखा देता हूँ कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी और रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है हमारी। अच्छा ये वाली बेसिक काफी है ना वो। अरे करो सही, तब तक मैं देखूँ, तब तक मैं नमूना जरा एक बार दिखाऊं लोगों को। ये देखो ये देखो, ये मत, ये इनकी मत समझना ठीक है। ये देख रहे होगे तो ये हमारी बनाई हुई है यहाँ पे, मेरे से ही सीखी थी आपने। ठीक है ये एक हम, ये देख लीजिए आप किसका नाम है यहाँ पे और डेट भी देख लीजिए कब बनाई थी। ठीक है तो ये हमारे द्वारा बनाई गई एक छोटा सा नमूना। दोबारा क्या होता है, आप थिंकिंग प्लीज यूज योर इंग्लिश लैंग्वेज, डोंट व्हाई यू आर ऑलवेज। ठीक है यूजिंग दिस मार्क, ये हाँ ये बहुत। और अब जो है नहीं मतलब ये देखोगे आप, ये देखिए ये एक छोटा सा, इसको मेहनत लगी थोड़ा सा बट बना ली थी हमने। सर आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे काम के बीच में। सर आप देख ही पा रहे होंगे कि ये किसने बनाई है यहाँ पे, मेरे ठीक है डेट भी देख लीजिए कब बनाई गई है। सर ये मेरे वो हो रहे हैं। तो एक छोटा सा नमूना यहाँ पे आप लोगों के सामने, मेरे पहाड़ और अब सच में जो एक नमूना है ठीक है ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ इसी तरीके की एक्सपेक्टेशन हम लोग इनसे लगा के रख रहे हैं। तो इस पेंटिंग की डिटेल मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा ठीक है। जो पेड़ है यहाँ पे, सॉरी पेड़ बोल रहा हूँ, जो पहाड़ है यहाँ पे वो पेड़ों को चीरते हुए जा रहे हैं। देखें पहाड़ छोटे हैं और पेड़ देखिए आप, ठीक है पेड़ के आर पार आपको पहाड़ दिखेंगे ठीक है। बहुत बेस्ती होगी ये देखिए यहाँ पे, और सूरज आप देख रहे होंगे तो मैं, सूरज के अंदर से जो है वो पेड़ निकल रहा है। एक इनोवेटिव मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कितनी इनोवेटिव है यहाँ पे ठीक है। देखा आप लोगों ने हवा में, ये देखिए जमीन पे नहीं है ये घर। आप अगर सोच रहे होंगे ये घर जमीन पे बना हुआ, ना गलत फहमी है आप लोगों की, ये जो घर है ये हवा में है, आपको सीढ़ियां चढ़कर वहां तक जाना है। ऑलमोस्ट रेडी होगी, बस थोड़ा सा इसको मिट्टी का कलर दे देती हूँ ऐसे ऐसे। मिट्टी भी जरूरी है, मिट्टी के बिना फूल नहीं उगते, मिट्टी को न्यूट्रिशन चाहिए होती है, मिट्टी ब्राउन कलर की होती है। सॉरी सर ये नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, मिट्टी ब्राउन कलर की होती है। हाँ तो मिट्टी ब्राउन कलर की होती है ना, तो मिट्टी किस कलर की होती है बताओ जरा। बिल्कुल बिल्कुल लोगों को पता नहीं था ना, मैं तो बता रहा हूँ उनको जानकारी, जीके उनका स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। उनको पता ही नहीं था कि मिट्टी किस कलर की होती है। हाँ हाँ सर मिट्टी ब्राउन कलर की होती है, समझ गया ना तुम लोग, मिट्टी ब्राउन कलर की होती है, याद रखना। सॉरी यूपीएससी के सवाल में आएगा, नोट कर लेना। ये ए, सूरज की किरणें निकाली, ये किरणें आई, ये ओ माय गॉड क्या जबरदस्त किरणें आ रही हैं, फैली हुई अब इधर, ये फाइनली सर। तो थोड़ा सा ये किरणों को आगे भी फैला देते हैं ताकि पेड़ों को थोड़ी ओ पौड़ों को पेड़ों को और पौड़ों को सर सर ट्रीज को मतलब थोड़ा सा ना हिंदी में क्या बोले, पेड़ और आगे छोटे वाले पौधे सर, पेड़ पौधे नहीं पौधे होते हैं वो। सर सुनो ना, पेड़ और पौधों को थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी, ऑक्सीजन नहीं ऑक्सीजन और किरणों से ऑक्सीजन मिलती है, नई डिस्कवरी है ठीक है। बिल्कुल एकदम प्लीज ये काम करना है, ये पागल अगर मेरे को टीचर देख रहा हो बोलेगी इतनी अनपढ़ लड़की पास कैसे होगी, तुम्हारे तो बाद में बोलेंगे, पहले मेरे बच्चे मेरे को सुनाएंगे। सर घर में तो संभाल लो पहले यार, नहीं प्लीज ये आप एडिट कर देना ठीक है। बोले घर में आपसे संभाला नहीं जा रहा, हमको डॉक्टर बनाने जा रहा। आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस प्लांट, हाउ इट फोटोसिंथेसिस
फोटोसिंथेसिस सर सर मैं एक बात बोलता हूँ, मैं तो मैंने ब्रिजेश सर के पास डालता हूँ, ठीक है, बॉटनी के टीचर है, तुम्हें समझाएंगे किरणों से कैसे ऑक्सीजन मिलती है। जो फाइनली तो, मेरी पेंटिंग तैयार है। देखिए अब मैं फिर बता देता हूँ, ये थी एक्सपेक्टेशन, ये थी एक्सपेक्टेशन, ठीक है, अब देखते हैं हम लोग रियलिटी क्या होगी। सर उससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि मुझे अपनी इस पेंटिंग की नीलामी करनी है, जो मेरी ये जो मैंने आर्ट किया है, मैं चाहती हूँ इसकी नीलामी हो। जब मैं ये YouTube पे डालूंगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो इसकी सबसे हाई नीलामी करेगा, मतलब हाईएस्ट बिड, सॉरी स्टॉक में नहीं जाती ना मैं, तो जो हाई बिड करेगा ना उसको मैं उसके उसके एड्रेस पे ही पेंटिंग भेजूंगी और वो मुझे पैसे भेजेगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन आप लोगों ने देख ली है, अब रियलिटी देखिए ये देख रहे हैं आप। So, देखिए मेरे तो जज करने की जो है, अब मैं ऐसी महान पेंटिंग को मैं जज नहीं कर सकता, ठीक है, आई एम सो सॉरी। सो अब आप लोगों के हवाले मैं छोड़ता हूँ, जनता के हवाले मैंने ये छोड़ा है कि जनता इसका जो फैसला करना चाहे वो कर सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो आप बोली लगाना शुरू कीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब आप लोगों से अगले व्लॉग में मुलाकात होगी इनके एक और टैलेंट के साथ में, टैलेंट से भरी पड़ी है ये, आप जानते हैं, ठीक है। तो इनके एक और टैलेंट के साथ में हम आपसे अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय।